हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थुन कीर्ति की। और मैं हूँ कीर्ति नरवाल हुडा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है और कर्टेंस लगने के बाद तो शायद मैं पहली बार इधर शूट करती हूँ, ऐसे यहाँ बैठ के करती हूँ। तो ये कर्टेंस आपने अभी ब्लॉग में आके देखना, मैंने शूट कर रखा है जब ये लगे थे, तो नए कर्टेंस लग गए हमारे रूम में। तो हाँ, आज संडे है और आज हम जा रहे हैं करिश्मा के घर पे, उसके ससुराल में। उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है, तो वहाँ वाली मम्मी भी और नानी आई हुई है, नानी भी जाएंगी, मैं भी जाऊँगी, सचिन और यहाँ वाली मम्मी को भी लेके चलेंगे। तो सबको बुलाया है, तो आज करिश्मा के घर पे है पार्टी, तो सब गेट टुगेदर हो जाएगा, मिल लेंगे एक दूसरे से। तो उसके लिए मैं अभी रेडी हो रही हूँ, तो कौन सा सूट डालती हूँ आपको दिखाऊँ। तो मैं डालूंगी ये सूट फ्रॉक वाला, और बिल्कुल रेड नहीं, मैजेंटा सा कलर है, इस कलर का डालेंगे। ये दुपट्टा, ये इसका बॉटम, और ये सचिन की ड्रेस रखी है। तो मैं हो गई हूँ रेडी, डाल लिया मैंने सूट, आपको मिरर में दिखाती हूँ। ये देखो रेडी, लेट्स गो। सचिन नीचे जा चुके हैं, अब हम चलते हैं। रेडी टू गो। यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइट आ रही है, आ जाओ। वायरल करांगे बनाना मैन। अरे अरे ना याद दबाओ। चलो भाई। दुखी हो रही है, इस वजह से बढ़ती थे। खाओ खाना, अपनी साली क्या नहीं, मोक्सी ने बना रखा है सब कुछ, साली तो सर्व कर रही है सब। कैसा गिरती? एक नंबर का टेस्ट। खा
रेस्ट, ये सचिन लेते हैं यहाँ, जैसे तो अपने घर में लेता हूँ और मैं बैठी हूँ। खाओ खीर। अब करिश्मा बना रही है चाय और फिर चाय पी के हम चलते हैं अपने घर। 4:30 हो गए अब तक हम यहीं बैठे हैं। पहली बार चाय बना रही है शायद हमारे लिए, वैसे तो तू कुछ काम करती नहीं। ये करिश्मा और की बालकनी से व्यू है बाहर का, इनकी गाड़ी खड़ी है और आसपास पेड़ ही पेड़। पाँच बजने वाले हैं और अभी तक हम यहीं हैं, बस थोड़ी देर में निकलते हैं। बाय। इसमें भिंडी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं स्पेशलिटी। बाय बाय तो भागे हम घर पे, हम बज गए 7:45। कुछ देर हम नानी को छोड़ने मामा के घर गए यहीं पे, तो वहाँ भी बैठ के आई, तो अब घर पे आए हैं और रात ही बस अब चेंज करते हैं, रिलैक्स होते हैं। और आज मतलब पूरा दिन ऐसे मतलब हैक्टिक भी नहीं रहा, वहाँ पे तो रेस्ट भी किया, फिर भी ऐसे थकान हो जाती है पता नहीं क्यों बैठे बैठे ही। तो अब करते हैं अपना रेस्ट। और मज़ा आया सबसे मिलकर, मतलब बिल्कुल सही, नानी भी मिल ली, उनकी नवीन की दादी से भी मिल लिए, और मम्मी यहाँ वाली मम्मी भी, वहाँ वाली मम्मी भी, सब ऐसे मतलब गेट टुगेदर अच्छा हो गया, मज़ा आया। और तो वहाँ भी सबसे मिलके उनको भी अच्छा लगा होगा आई होप, हमें तो लगा ही है। और खाना इतना टेस्टी था मौसी ने जो बना रखा था, और आज मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि हमने करिश्मा का हाथ के नहीं खाया, नहीं तो मोस्टली हम जाते थे कहीं वहाँ पे मम्मी के घर, मम्मी के पास, तो करिश्मा ही बनाती थी। पर अब आज खाना मौसी ने बना रखा था और इतना टेस्टी खाना था, मतलब सब कुछ इतना अच्छा, और पूरी घी में पूरी बना रखी थी, ऐसी पूरी मैंने पहली बार खाई है, तो बहुत अच्छी थी। तो इतना मन मतलब पेट भर गया था पर मन नहीं भरा, इतना अच्छा खाना, और अभी भी पेट फुल है बिल्कुल। और खीर बना रखी थी वो भी इतनी टेस्टी खीर। तो थैंक यू मौसी जी, आपका खाना बहुत अच्छा लगा। और मौसी ने तो मेरे को पैक करके वो भिंडी भी दे दी, क्योंकि भिंडी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने तो रेसिपी भी पूछी है कैसे बनाई, देखते हैं कभी ट्राई करके खुद बना के। और सचिन भी आ गए हैं, सचिन आप बताओ आपको कैसा लगा आज करिश्मा के ससुराल में जाके? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आपकी साली के ससुराल में जाके आपको कैसा लगा? फीलिंग गुड। और पहली बार आपने अपनी साली के हाथ का नहीं खाया, मौसी के हाथ का खाया है ना? नहीं तो करिश्मा बनाती थी आपके लिए, अच्छा खाना था ना? बहुत बढ़िया। वह तो बस ये व्लॉग था यहीं तक का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, नई व्लॉग में। तो टिल देन बाय बाय, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना।